स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रांजेक्शन को देखिए। पहली ट्रांजेक्शन है ओपन द बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट ₹1,00,000। इस सेविंग अकाउंट को ध्यान रखिएगा बच्चों, सेविंग अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है ऑफ द ओनर। तो यहां पर हम ये मानेंगे कि ये जो बैंक अकाउंट ओपन किया गया है वो बिजनेस के नाम पे ओपन किया गया है, बिजनेसमैन के नाम पे नहीं, ठीक है बच्चों। और इसका जो पैसा है वो ओनर ने अपने सेविंग अकाउंट से ट्रांसफर किया है बैंक अकाउंट में ऑफ द बिजनेसमैन यानी ऑफ द ओनर, ठीक है बच्चों। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, आइए पहले उससे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 2 को देख लेते हैं, क्योंकि इसकी एंट्री बनेगी ही नहीं। अब क्यों नहीं बनेगी, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसमें क्या है, प्लेस्ड एन ऑर्डर, आपने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया है गुड्स के लिए विद दारूवाला एंड कंपनी ₹3,000। आपने दारूवाला एंड कंपनी को सिर्फ ₹3,000 का एक ऑर्डर प्लेस किया है। इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा गया कि आपने गुड्स खरीदे हैं या फिर इस गुड्स के लिए आपने कोई पेमेंट किया है, ना ही आपने गुड्स खरीदे हैं ना ही गुड्स के लिए आपने कोई पेमेंट किया है। तो ऐसे में इसकी कोई जर्नल एंट्री बनाई ही नहीं जाएगी, ठीक है बच्चों। तो नो एंट्री विल बी पास फॉर दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज नाइदर कैश हैज बीन गिवन और नॉर गुड्स हैव बीन टेकन फ्रॉम देम। तो ना ही उनसे कुछ लिया गया है ना ही उनको कुछ दिया गया है, सिर्फ एक ऑर्डर दिया है, एक वर्बल काम वो दिया है आपने, ठीक है, एक वर्बल कन्वर्सेशन आप कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। लेकिन या एक ऐसा कम्युनिकेशन कह सकते हैं जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ना ही कोई ऐसी चीज़ आई है जिसे मनी टर्म्स में मेजर किया जा सके, ना ही ऐसी कोई चीज़ गई है जिसे मनी के टर्म्स में मेजर किया जा सके। तो दैट्स वाई दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपसे कहा गया है ओपन द बैंक अकाउंट विद चेक फ्रॉम सेविंग अकाउंट ₹1,00,000। तो 1,00,000 का, अच्छा हमने इसको थोड़ा डिस्कस कर ही लिया था बच्चों। आइए ट्रांजेक्शन 1 की क्या जर्नल एंट्री बनेगी उसको देख लीजिए। ट्रांजेक्शन 2 मैंने डिस्कस कर लिया, इसकी कोई जर्नल एंट्री बनाई नहीं जाएगी। तो बच्चों ट्रांजेक्शन नंबर 1 की जर्नल एंट्री के लिए आप ये समझिए कि यहां पर दो अकाउंट इन्वॉल्व है, पहला है बैंक अकाउंट जो कि बिजनेस का है और दूसरा है कैपिटल अकाउंट जो ओनर का है, ठीक है बच्चों। ये एक एसेट है और ये कैपिटल है। इस रूल को ध्यान रख लीजिए बच्चों, ए इज इक्वल टू LCR, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। एसेट्स और एक्सपेंस एक टीम में, लायबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू दूसरी टीम में। जो इनका रूल होता है, इनका रूल उसका अपोजिट होता है। इनका रूल होता है इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, इनका रूल होता है इंक्रीज क्रेडिट और डिक्रीज डेबिट। अब ट्रांजेक्शन में तो ऐसे अकाउंट इन्वॉल्व हैं जो अपोजिट साइड के हैं, तो जब भी दो अकाउंट ऐसे होते हैं जो अपोजिट साइड को बिलोंग करते हैं तो या तो दोनों इंक्रीज होते हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे दोनों ही इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस को पैसा दे रहे हैं तो बिजनेस का जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और एसेट जब इंक्रीज होती है तो उसे डेबिट किया जाता है। और बिजनेसमैन जो भी पैसा बिजनेस को देता है ऐसा करने से उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है और कैपिटल का रूल होता है कि जब वो इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो बच्चों इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बनेगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ₹1,00,000 डेबिट में, ₹1,00,000 क्रेडिट में। इसकी नरेशन लिखिएगा, ट्रांसफर्ड ₹1,00,000 फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया। या इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस बाय ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम सेविंग अकाउंट टू द बैंक अकाउंट, ठीक है बच्चों। जो कर रहे हो बस उसी को आपको नरेशन में लिखना होता है, नरेशन वो नहीं लिखनी जो बुक में दे रखी होती है, एज इट इज कॉपी नहीं करनी होती है, कर दीजिएगा अगर कर सकते हैं तो। लेकिन कोशिश करिए कि एंट्री वो लिखी जाए, ट्रांजेक्शन की नरेशन वो लिखी जाए जो आपको अपनी समझ के अकॉर्डिंग उसमें नजर आ रहा है, ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बच्चों। ये दोनों ट्रांजेक्शन, तो ये दोनों ट्रांजेक्शन ही काफी इंपॉर्टेंट थी।